हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोन एज कल्चर की, मींस जो पाषाण युग था उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वो सभी लोग जो नए नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए कुछ अहम जानकारी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का एकदम फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 17 मार्च को हमारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि एकदम फ्री हमारा ये कोर्स है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग करवाएंगे। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और साथ ही साथ हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, संडे को दो चीज़ें होती हैं, एक तो सीसेट की क्लास लगती है और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। इसलिए हमारे इस कोर्स से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल के बारे में पता करना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में डेट्स किस तरह से मेंशन की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं कहीं बीसी लिखा होता है, कहीं कहीं एडी लिखा होता है, हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी लिखा होता है, तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब जीसस क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस ईयर को हम जीरो बोलते हैं, ठीक है, उसको हम जीरो बोलते हैं। और उसके बाद के जितने भी इवेंट हुए हैं, वहाँ पे हम ईयर के आगे एडी लगाते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें, तो आज का साल कौन सा हो जाएगा, 2021 एडी, मतलब इस इवेंट को जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2021 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम और पीछे जाएँ, तो जो इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुए हैं, तो उनमें हम लगाते हैं बीसी, जैसे कि 500 बीसी। इसका मतलब क्या है कि कोई इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 500 साल पहले हुआ था। अगर हम 1000 बीसी की बात कर रहे हैं, तो मींस ये वाला इवेंट जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले हुआ था। एंड दोस्तों, ये जो बीसी है, ये जीरो से हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें, जैसे कि अगर 1000 बीसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो वाला इवेंट अगर हम प्रेजेंट से कंपेयर करें, तो कितने साल पहले हुआ था, 2021 प्लस 1000, ठीक है, मतलब 3021, 3021 साल पहले वो इवेंट हुआ था, अगर हम आज से उसकी तुलना करें। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ईसवी, ठीक है, मतलब जो ईसा मसीह है उसके कितने साल बाद ये हुआ था। दूसरा होता है ईसा पूर्व, ठीक है। एंड दोस्तों, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी है, जहाँ पे हम कभी कभी सीई भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। और दूसरा है बीसीई, मींस बिफोर कॉमन एरा, बट जनरली आप देखेंगे कि मैक्सिमम बीसी और एडी का ही यूज होता है। तो दोस्तों, ये तो था पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब भी हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। उन एविडेंस के बेसिस पे ही हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लिटरेरी सोर्सेज, कोई हमको किसी की लिखी हुई बुक मिल गई, जैसे मान लीजिए वेदाज हैं, पुराण्स हैं,
तो उससे हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में लोग क्या काम करते थे, ठीक है। दूसरे होते हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं, जो विदेशी आते हैं भारत में, ठीक है, उनके भी अपने अकाउंट्स होते हैं जिसके बारे में वो इंडिया की कंडीशन के बारे में लिख के जाते हैं, तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या हिस्ट्री रही होगी, किस तरह के लोग होंगे। तीसरा जो सोर्स आता है वो आता है इंस्क्रिप्शंस। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन पिलर्स हैं, उनमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो जब कोई मैसेज हार्ड सरफेस पे लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंस्क्रिप्शन से भी हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं, जैसे सिक्के होते हैं, तो सिक्कों की मदद से भी हम उस समय की जो सोसाइटी है उसके बारे में पता कर सकते हैं, किस तरह की इकोनॉमी रही होगी उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, ठीक है। जब किसी एरिया की खुदाई होती है तो उसमें कुछ हमको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के आधार पर फिर हम कोशिश करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है दोस्तों। तो ये था दूसरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, और वो है द स्टोन एज। इसको हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाषाण युग को हम यहाँ पे समझेंगे, एंड दोस्तों हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब सवाल आता है कि इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि ये जितनी भी हमने समझने की कोशिश की है इस हिस्ट्री को, उसका आधार क्या है, स्टोन। खुदाई में जो हमको स्टोन मिले हैं उसी के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। और ये पूरी जो डिफरेंट एजेज हैं इनमें मेन चीज़ थी स्टोन, क्योंकि उसी के ऊपर ये सभी लोग डिपेंडेंट थे, इसलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। एंड दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और है, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्ट्री थी ये हमने रिकंस्ट्रक्ट की है जो खुदाई में जो हमको चीज़ें मिली हैं उसके आधार पे। हमारे पास कोई भी लिटरेरी सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो स्टोन एज है, जैसे पेलियोलिथिक पीरियड हो गया, मीजोलिथिक पीरियड हो गया, उसके बाद आता है आपका नियोलिथिक पीरियड हो गया, तो ये सभी प्री हिस्टोरिक पीरियड में शामिल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पेलियोलिथिक पीरियड था दोस्तों, जो स्टोन एज है इसको हम तीन श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो था पेलियोलिथिक, उसके बाद हम देखेंगे मीजोलिथिक, और फिर बाद में हम देखेंगे नियोलिथिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेलियोलिथिक पीरियड की। फ्रेंड्स, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर या फिर स्टोन, तो इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और इसको हम फर्दर तीन फेजेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस दौरान जो मनुष्य था वो बेसिकली एक हंटर था, ठीक है, शिकारी था और फूड गैदरर था, मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करता था। किस चीज़ के लिए? एक तो फ्रूट्स को लेके, ठीक है, या फिर रूट्स जो होंगी, जड़ें होंगी, उनको खाने के लिए। जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में उनकी हंटिंग के बाद वो उस पर डिपेंडेंट करता था। एंड दोस्तों उसका जीवन जो था, लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफिकल्ट थी। एक प्लेस से दूसरी जगह उसको मूवमेंट करना होता था, इसलिए नोमेडिक पीपल उस समय हुआ करते थे। अब दोस्तों इनको घूमना क्यों पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते थे। उस समय किसी भी तरह की सेटल्ड लाइफ या फिर एग्रीकल्चर नहीं होता था। अब दोस्तों जब आप फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हो तो अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के फॉरेस्ट रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब आपको दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, क्योंकि आप हंटिंग पे डिपेंडेंट हो तो एनिमल ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे बैठा रहेगा, वो भी उसका भी मूवमेंट होता है, तो इसलिए आपको भी मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जितने भी उस समय के लोग थे ये अधिकांश रिवर के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी। एंड दोस्तों वाटर डिपेंड करता था सीजन पे, ठीक है, तो किसी सीजन में पानी है किसी में नहीं है, तो इसके लिए भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना होता था। एंड दोस्तों ये पीरियड वो पीरियड है जब हम आइस एज बोलते हैं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम इस समय हुआ करता था। तो दोस्तों इस समय जो फेज थी उसको पेलियोलिथिक फेज कहा गया है। ये जो फेज थी इसको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अर्ली पेलियोलिथिक पीरियड, मतलब जो कि 1,00,000 BC तक का पीरियड था उसको हम अर्ली या फिर लोअर पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दूसरा आता है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, ये कब से कब तक है, 1,00,000 BC से 40,000 BC के बीच में, ठीक है। फिर अगला आता है अपर
पेलियोलिथिक पीरियड, और ये आता है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में। एंड दोस्तों ये जो साइट्स हमको मिली हैं ये पूरे भारत में फैली हुई थी, और केवल जो गंगा और इंडस के जो एलुवियल प्लेन थे वहाँ पे हमको ये नहीं मिलती है। इसके अलावा जो पेलियोलिथिक साइट्स थी ये हमको पूरे भारत में देखने को मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था फर्स्ट डायमेंशन। अब दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं कि पेलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको रेड ट्राइंगल दिख रहा है वो सब पेलियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे कि भीमबेटका है, कुरनूल केव्स हैं, हुंसगी है। तो इस तरह से जब आप इस स्लाइड को पॉज करेंगे तब आप इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अर्ली या फिर लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। एंड दोस्तों, क्योंकि इन पीरियड का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इनके स्टोन टूल्स। ठीक है, किस तरह के टूल्स ये लोग यूज़ करते थे फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि इनका मेन जो काम था वो क्या था, हंटिंग करना, और आपको फूड जो है फॉरेस्ट से गैदर करना है। ठीक है, तो इनके जितने भी स्टोन टूल्स हमको मिलेंगे उन सब का पर्पज़ हंटिंग से रिलेटेड का ही होगा। और इस दौरान हम देखते हैं कि हैंड एक्सेस, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, क्लीवर्स और चॉपर हमको देखने को मिलते हैं, और इनका मेन काम होता था चॉपिंग करने का। ठीक है, जो आपने शिकार किया है, ठीक है, तो उसको आपको मांस को काटना भी होगा, उसकी जो स्किन होगी उसको छीलना भी होगा, तो उन सब काम के लिए स्टोन टूल यूज होते थे। अब दोस्तों ये टूल्स हमको कहाँ कहाँ पे मिले हैं ये भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे पहली जगह क्या थी, सोन रिवर वैली, जो थी पाकिस्तान में थी। ठीक है, इसके बाद मिर्जापुर में बेलन वैली, वहाँ पर भी हमको ये टूल्स मिले हैं जो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। एंड दोस्तों, क्योंकि जो इस समय का जो मनुष्य था उसको कहीं ना कहीं तो रहना होगा, वो कहाँ पे रहेगा, या तो केव्स में रहेगा, गुफाओं में रहेगा, या फिर पेड़ों पे रहेगा। तो केव्स और जो शेल्टर्स हैं वो भी हमको बेलन वैली मिर्जापुर में मिलते हैं। इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो कौन सी है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये भीमबेटका भोपाल के पास में है। इसके अलावा राजस्थान में सिस्टीन आर एंड सिंगी तालाब, ये इम्पोर्टेंट साइट हैं। नेवासा ये महाराष्ट्र में साइट है। ठीक है, और कर्नाटका में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, हुंसगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है तमिलनाडु में, जिसका नाम है अत्तिरामपक्कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं दोबारा इसका नाम ले रहा हूँ, अत्तिरामपक्कम। ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हमको ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स मिलते हैं। फ्रेंड्स ये सवाल पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स हमको कहाँ मिले हैं, तो उसका जवाब होगा तमिलनाडु अत्तिरामपक्कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये उस समय के टूल्स थे जिनको उस समय के मनुष्य यूज करते थे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि जिस जिस तरह से हम एक पीरियड से दूसरी पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मतलब वार्मर पीरियड हमको देखने को मिलेगा, और इस दौरान जो मनुष्य है उसकी भी ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके ब्रेन का भी विकास होता है, तो आप देखेंगे कि अब टूल्स भी थोड़े इम्प्रूव होने लगेंगे। ठीक है, जो पहले बड़े बड़े टूल्स होते थे अब वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड आता है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड। दोस्तों इस पीरियड की सबसे खास बात क्या थी, इसमें किस तरह के स्टोन टूल्स मिलते थे, वो होते थे फ्लेक्स। दोस्तों जब आप दो बड़े पत्थरों को आपस में आप टकराओगे तो कम थिकनेस के पत्थर अलग हो जाते हैं, उन पत्थर को बोलते हैं फ्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो वो इस पीरियड की सबसे खास बात थी। ठीक है, और वो किस तरह के कामों में यूज आता था, जैसे कि स्क्रैपर, आपको कोई चीज़ छीलनी हो, ठीक है, कहीं पे छेद करना हो, तो उन सब में ये चीज़ काम आती थी। और इस पीरियड की भी जो सबसे फेमस साइट है वो कौन सी है, सोन वैली। ठीक है, यहाँ पे हमको क्रूड पेबल इंडस्ट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे फ्लेक्स बनाए जाते थे। अब दोस्तों ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री थी, क्योंकि जब एक्सकेवेशन हुआ होगा तो काफ़ी सारे फ्लेक्स वहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि क्रूड पेबल इंडस्ट्री थी वहाँ पे सोन वैली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम में आप इस तरह के जो औजार हैं, जो स्टोन टूल्स हैं, उनको देख सकते हो। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ, और वो क्या था, अपर पेलियोलिथिक पीरियड। दोस्तों इस समय जो टेम्परेचर था उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो जाती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। एंड दोस्तों ये आइस एज की लास्ट फेज भी थी। ठीक है, काफ़ी वार्म क्लाइमेट, गर्म तापमान यहाँ पे हो जाता है। और इस पीरियड की जो सबसे खास बात थी वो क्या थी, फ्लिंट इंडस्ट्रीज। दोस्तों फ्लिंट क्या होता है,
जो नुकीले पत्थर होते हैं, अगर आप जो इस तरह के पत्थर होते हैं इसको फ्लिंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इस पीरियड की सबसे खास बात होती थी। फ्लेक्स भी हमको देखने को मिलती हैं, ब्लेड्स भी हमको देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके अलावा इस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है वो क्या है, एविडेंस ऑफ फायर। और ये कहाँ पे मिला है, कुरनूल केव्स में। दोस्तों वहाँ पे हमको एशेज मिली हैं, राख मिली है, और इससे हमको ये पता चला है कि वहाँ पे फायर का एविडेंस होता था। एंड दोस्तों फायर क्यों चाहिए थी, एक तो टेम्परेचर से बचाने के लिए, दूसरा जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए उस समय फायर की आवश्यकता होती थी। तो उसके एविडेंस कहाँ पे मिले थे हमें, कुरनूल केव्स में। दोस्तों इसी पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए जिनको हमको मिस नहीं करना है। एंड दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह के टूल्स यूज होते थे। दोस्तों देखिए ये है फ्लिंट, ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था। तो जो नुकीले पत्थर होते हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिले थे। दोस्तों अब जो सेकेंड पीरियड है, जो सेकेंड फेज थी वो है मीजोलिथिक पीरियड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेट स्टोन एज भी बोलते हैं और इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। दोस्तों माइक्रोलिथिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटे और लिथ मतलब होता है पत्थर, छोटे पत्थर इस फेज में यूज होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक फेज भी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों ये एक ट्रांजिशनल फेज थी, किस चीज के बीच में, जो पेलियोलिथिक जो इससे पहले पीरियड हो चुका है उसकी, और नियोलिथिक जो अब आने वाला है, इन दोनों फेज के बीच की ये ट्रांजिशनल फेज थी। और इसको दोस्तों पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए क्यों, क्योंकि तापमान में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, अब एक वार्मर पीरियड हमको देखने को मिलता है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं और इस चेंज को उस समय का आदमी ऑब्जर्व करता है कि जैसे इस दौरान हमको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं तो इन पे डिपेंड करने वाले नए नए जो प्राणी लोग होते हैं, एनिमल्स बनते हैं, जैसे कि डियर होगा, ठीक है, शीप्स होंगी, गोट्स होंगी, तो वो सब देखने को मिलती है। तो किस तरह से इनको पाला जा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो उसने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से कोई बीज है वो ज़मीन पे गिरा और उसके बाद बरसात आती है और फिर उस पर नई फसल बन जाती है। तो इस दौरान ये ऑब्जर्वेशन वाला पीरियड होता है, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड। एंड दोस्तों इस दौरान भी शुरुआत में तो हंटिंग और गैदरिंग पे ही फोकस होता है, बट एंड में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर भी हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों इस दौरान जो फ्लोरा और फोना मीन्स जो वनस्पति होती है और जो एनिमल्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड दोस्तों देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे एनिमल की साइज़ भी छोटी होती जा रही है, ठीक है, और उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि ग्रासलैंड्स आ गए हैं, खुले मैदान आ गए हैं, तो उसमें जानवरों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हंटिंग करने के लिए आपके टूल्स भी चेंज हो जाएंगे, आपको छोटे पत्थर चाहिए, जैसे एरो हेड्स हो गए, जैसे धनुष बाण वगैरह होते थे, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे यूज होते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अब दोस्तों इस पीरियड की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो कौन सी थी, वो थी बागौर और आदमगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बागौर कहाँ पे थी, राजस्थान में, और आदमगढ़ थी मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये जो दोनों साइड थी, यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि इस समय जो मीजोलिथिक पीपल होते थे उनका शीप और गोट के साथ एसोसिएशन स्टार्ट हो गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पार्टली एक सेटल्ड लाइफ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है अंतिम दौर में, ठीक है। इसके अलावा जो बगोर जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है लंगनाज, ठीक है दोस्तों। लंगनाज ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ पे हमको एविडेंस मिले हैं जो मीजोलिथिक पीरियड के लोग हैं उनका कांटेक्ट हुआ था हड़प्पन पीरियड के लोगों से, ठीक है। और दूसरा जो चालकोलिथ पीरियड होते हैं, जो ताम्र पाषाण वाला जो युग था उसके लोगों से कांटेक्ट के एविडेंस हमको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेलन वैली। दोस्तों डायरेक्ट सवाल बनता है, ये क्यों फेमस है बेलन वैली मिर्ज़ापुर में, क्योंकि यहाँ पर हमको तीनों फेजेज, जो पेलियोलिथिक फेज है, जो मीजोलिथिक फेज है, और जो नियोलिथिक फेज है, इन तीनों फेजेस के जो हमको स्टोन टूल्स हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है, और हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरह का एग्रीकल्चर की शुरुआत यहाँ पे होती है, ठीक है फ्रेंड्स, बट बहुत ही छोटे पैमाने पर वो चीज़ होती है।
दोस्तों ये वो माइक्रोलिथ्स है, आप देखिए कि पत्थर की जो साइज है वो यहाँ पे छोटी होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी दोस्तों मेन फोकस तो जो हंटिंग था और जो गैदरिंग था उस पर ही था, बट लेटर फेज में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होता है। अब दोस्तों अगली जो फेज आती है उसको देखने से पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक आर्ट की। दोस्तों आपने सुना होगा भीम बेट का पेंटिंग्स के बारे में, वहाँ पे जो रॉक सेल्टर्स हैं ठीक है, उनमें पत्थरों पे पेंटिंग ये लोग करते थे, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट, जो कि मुख्य रूप से जो अपर पेलियोलिथिक और जो मीजोलिथिक पीपल थे उनसे जुड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कुछ हंटिंग सीन्स हमको देखने को मिलते हैं, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, वो हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ह्यूमन की तरफ से तो कुछ सोशल लाइफ की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं डांस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। कुछ कलर्स भी यूज होते हैं, जैसे कि रेड कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये वहाँ पे यूज होता है ठीक है। इसका दोस्तों मैं आपको इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, तो इस तरह की पेंटिंग्स हमको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगला आता है दोस्तों नियोलिथिक पीरियड, इसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 6000 BC से 1000 BC। दोस्तों अगर आप डिफरेंट बुक्स फॉलो करोगे तो टाइमलाइन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है ठीक है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। दोस्तों देखिए नियोलिथिक पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो उस समय का आदमी था उसने सेटल्ड लाइफ की शुरुआत कर दी थी दोस्तों, मतलब अब वो एक जगह पे रहना उसने स्टार्ट कर दिया था, अब वो एक जगह से दूसरी जगह भागेगा नहीं ठीक है, वो एक जगह रहेगा, घर में रहेगा और खेती करेगा, और इसके अलावा डोमेस्टिकेशन करेगा, मीन्स जो पालतू जानवर होंगे उनको पालने का काम करेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, और इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। एंड दोस्तों इस फेज की सबसे खास चीज़ क्या है, इसके जो स्टोन टूल्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, पॉलिश्ड स्टोन हमको देखने को मिलेंगे, और सबसे फेमस क्या है, स्टोन एक्सेस। दोस्तों परशुराम हमने सुना हुआ है कि उनका जो नाम है वो ही परशु, मतलब स्टोन एक्स के नाम से पड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो फेमस होते हैं। एंड दोस्तों ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो औजार इस दौरान यूज होते थे उनका संबंध होता था एग्रीकल्चर से ठीक है, क्योंकि ये एक सेटल्ड लाइफ इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, तो एग्रीकल्चर को करने के लिए, खेती को करने के लिए जो भी औजार यूज होंगे तो वो इस फेज में हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ठीक है, वो हमको समझनी होंगी जिन पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है मेहरागढ़। दोस्तों मेहरागढ़ ये कहाँ पे आपको दिखेगा, ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़ ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको बारले और वीट के जो हैं एविडेंस मिलते हैं, हमको ये भी एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग जो हैं शीप और गोट्स, भेड़ और बकरी, इनको पालते थे ठीक है। हमको ये भी पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स थे, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के एविडेंस हमको मिले हैं जब हमने एक्सकेवेशन वहाँ पे किया है ठीक है दोस्तों। तो ये साइट आपको याद रखनी होगी, मेहरगढ़ ठीक है। अब दोस्तों ये जो एक्स यूज होती थी, जो कुल्हाड़ी इस पीरियड में यूज होती थी, तो उसकी टाइप के आधार पे नियोलिथिक सेटलमेंट को तीन भागों में बांटा गया है, मतलब तीन साइट्स मिली हैं, वो हमें देखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों देखिए इस तरह के औजार थे जो आप समझ सकते हैं देख के कि ये खेती में यूज होते थे, एग्रीकल्चर में इनको यूज किया जाता था। सबसे पहले आती है बुरजोहम, जो कहाँ पे होती है, कश्मीर वैली में ये साइट है दोस्तों। जब यहाँ पे एक्सकेवेशन किया तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ मिलती है। सबसे पहला हमको ये मिला कि जो उस समय के जो लोग होते थे वो पिट्स बना के, मतलब गड्ढे खोद के उसमें रहते थे दोस्तों, और उस समय हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी वहाँ पे चलती थी, मतलब वो शिकार पे डिपेंड करते थे, वो फिशिंग मतलब मछलियों पे डिपेंड करते थे। उस दौरान दोस्तों वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं चलता था, और ना ही किसी बड़े लेवल पे कुछ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, मीन्स पालतू बना के रखा जाता था। पॉलिश स्टोन का वो लोग यूज़ करते थे दोस्तों, और ख़ास बात यहाँ पे ये भी देखने को मिली है कि बोन्स से बने हुए वेपन भी ये लोग यूज़ करते थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स से बने हुए वेपन्स ये लोग यूज़ करते थे, और यही सेम चीज़ हमको मिलती है चिरांड पटना में ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर भी हमको बोन इम्प्लीमेंट देखने को मिलते हैं ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा कोर्स ग्रे पॉटरी यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। पॉटरी मीन्स जो घड़ा होता है उसको पॉटरी हम कहते हैं फ्रेंड्स।
जब आप एग्रीकल्चर करने लग जाओगे, जब आप डोमेस्टिकेशन थोड़ा बहुत करोगे, तो आपको स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो कोर्स ग्रे पॉटरी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो क्या है कि जब यहाँ पे जो बरियल साइट्स देखी गई, तो वहाँ पे पाया कि जो ग्रेव्स हैं उसमें मास्टर के साथ साथ जो उसका डोमेस्टिक डॉग है वो भी वहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ग्रेव में मास्टर के साथ जो उसका पालतू कुत्ता है वो भी दफनाया गया था। फ्रेंड्स इस पे सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है कश्मीर की, वो कौन सी है? गुफ करल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया बुरजोहम। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट साइट है इस फेस की, वो है साउथ में, ठीक है। और दोस्तों साउथ में वो या तो हिल्स पे लोग सेटल होते थे, या फिर जो रिवर बैंक्स होते थे वहाँ पे वो लोग सेटल होते थे। एंड यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पिकली हल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है पिकली हल। ये कर्नाटका की साइट है, जो कि एक नियोलिथिक पीरियड की साइट है। एंड दोस्तों यहाँ के जो लोग थे वो कैटल हर्डर्स थे, ठीक है। वो पशुओं को चराते थे वहाँ पे। शीप, गोट्स और कैटल को डोमेस्टिकेट किया जाता था, उनको पालतू बना के रखा जाता था। और दोस्तों यहाँ पे ऐश माउंट्स भी हमको मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो झूम कल्टीवेशन हम लोग आज देखते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट में भी हमको इस तरह के एविडेंस मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है कोल्डी हवा, जो कि बेलन वैली के पास में। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्यों ये साइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला एविडेंस मिला है हमको राइस का, चावल का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था? लगभग 6,500 BC में। दोस्तों तो ये सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी राइस का एविडेंस है दोस्तों, जो हमको देखने को मिलता है। तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है। और यहीं पे दूसरी साइट थी, वो क्या थी? महागढ़ा, ठीक है। और महागढ़ा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बारले का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, उसका एविडेंस हमको मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये जो नियोलिथिक पीरियड थे, हमने देखा कि ये सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। ये बेसिकली दोस्तों जैसे ये रिवर है, तो रिवर के पास इनका यहाँ पे घर होगा, घर के आसपास इनके खेत होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह की सेटल्ड लाइफ ये लोग व्यतीत कर रहे थे। ये एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे, राइस वीट वगैरह की खेती यहाँ पे होती थी। जो एनिमल्स होते थे उनका डोमेस्टिकेशन ये करते थे। एंड दोस्तों क्योंकि अब आपके पास फूड ग्रेन्स हैं, आपके पास दूध वगैरह भी है, तो उसको आपको स्टोर करना है, ठीक है। ग्रेन और मिल्क को आपको स्टोर करना है। आपको कुकिंग और ईटिंग के लिए कुछ पॉट्स तो चाहिए। तो हम देखते हैं कि पॉटरी भी इस पीरियड में हमको देखने को मिलती है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी इस पीरियड के लोगों के बीच में। वो क्या थी कि वो केवल स्टोन टूल्स पे ही डिपेंड करते थे, किसी तरह का कोई मेटल का यूज़ हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और क्योंकि मेटल का यूज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब बड़े लेवल पे कुछ एरिया को क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिवर बैंक के पास में हमको उनके सेटलमेंट देखने को मिलते हैं हिली एरिया में, क्योंकि वहाँ पे स्टोन जो है वो बड़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता था, ठीक है। और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, तो प्रोडक्शन केवल इतना ही होता था कि उनकी खुद की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग वगैरह कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे बट सब्सिस्टेंस, ठीक है, मतलब खुद की नीड्स ही वो लोग पूरा कर पाते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये था नियोलिथिक फेज। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टोन कॉपर एज की। दोस्तों इसका टाइम पीरियड क्या था? 3000 BC से 500 BC। दोस्तों देखिए इतना वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सारे इवेंट एक ही साइट पे हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जो कल्चर थे वो अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको इतना बड़ा गैप दिख रहा है 3000 BC से लेके 500 BC का। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाण युग, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टोन कॉपर है दोस्तों, जैसे ही नियोलिथिक पीरियड खत्म होता है तो हमको मेटल्स का यूज देखने को मिलता है। और सबसे पहला मेटल जो इस दौरान यूज होता है वो क्या था? कॉपर, मींस तांबा। इसीलिए इसको ताम्र पाषाण युग कहते हैं, मींस कॉपर और स्टोन दोनों का यूज होगा। जो हमको टूल्स मिलेंगे, जो इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, उसमें कॉपर और स्टोन दोनों रहेगा। एंड दोस्तों ये जो कल्चर है जो कि कॉपर मेटल के बेसिस पे था। दोस्तों कल्चर का मतलब क्या होता है?
कि जब एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे मिलते हैं तो आप कहेंगे कि यार ये कल्चर सेम है, ठीक है, एक ही कल्चर है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह डेवलप हो रहा है, तो उसको कल्चर बोलते हैं। इसको बोलते थे कैल्कोलिथिक, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना होगा, कैल्कोलिथिक पीरियड इसको हम बोलते थे। और ये कहाँ कहाँ मिला है ये साइट्स हमको याद रखनी होगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अहर एंड गिलुंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये साइट्स जो हैं इसका संबंध किस पीरियड से है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कायथा और एरान, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर हमको ये पीरियड देखने को मिलता है, और वहाँ पर कौन कौन सी साइट्स हैं, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, दोस्तों इन पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा नवाद टोली, ये भी महाराष्ट्र में ही थी दोस्तों, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये नवाद टोली ये हम आगे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। के अलावा ईस्टर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट है चिरांड, जो हमने देखा था पटना के पास की थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो अहर था वहाँ पर हमको एक व्हाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलता है, दोस्तों ये था क्या, जैसे कोई पॉटरी होती है ना, अगर मिट्टी से बनाते हैं तो ब्लैक एंड रेड कलर उसका अपने आप हो जाता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर किया हुआ था, तो उस तरह की पॉटरी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स भी हैं, जैसे कि जोरवे कल्चर, अहर कल्चर, कायठा कल्चर, दोस्तों इसका टाइमलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये साइट्स याद होनी चाहिए। अब दोस्तों इस कैल्कोलिथिक कल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों हमको एक डिफरेंट टाइप की पॉटरी, जो मैं ऑलरेडी बात की थी आपसे, ब्लैक एंड रेड वो पॉटरी हमको देखने को मिलती है, मतलब काले और लाल कलर की, और ये पॉटरी किस पे बनेगी, व्हील पे बनेगी, ठीक है, तो वो भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पीरियड में हमको ग्रेन प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन मीन्स पशुओं को पालतू बनाना, वो भी हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है दोस्तों। अब इस कल्चर से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि उस दौरान काउस, शीप, गोट्स, पिग्स और बफेलोज पाए जाते थे, ठीक है, हमको कैमल ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जहाँ तक हॉर्स की बात है दोस्तों, तो इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो जो अवशेष मिले हैं वो हॉर्स के हैं, डोंकी के हैं, या फिर वाइल्ड एस के हैं, कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उस दौरान जो लोग होते थे वो बीफ खाते थे, ठीक है, गाय का मांस वो लोग खाते थे। एंड दोस्तों नवाद टोली महाराष्ट्र की साइट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी उस समय फूड ग्रेन्स थे, वीट, राइस, बाजरा, पल्सेज, हमको एक्सकेवेशन में वहाँ पे हम मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पे हमको फिश हुक्स मिले हैं, जिससे मछली को पकड़ा जाता था। तो फ्रेंड्स फिश प्लस राइस जो आज भी ईस्टर्न एरिया में काफ़ी पसंदीदा लोगों की डाइट होती है, तो ये उस समय से चला आ रहा था। अगर हम देखें दोस्तों कि जो इकोनॉमी थी वो विलेज इकोनॉमी थी, काफ़ी लार्ज सेटलमेंट हमको देखने को मिलते हैं, और इन सेटलमेंट में जो ब्रिक्स थी वो बर्नड ब्रिक्स मतलब वो ईंट जिस आग में पकाया जाता है वो इतनी देखने को नहीं मिलती है, जो मड ब्रिक्स होती हैं, जो कच्ची ईंटें होती है, वही हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो डेक्कन वाला एरिया है जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती थी, तो वहाँ पे कॉटन काफ़ी होता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लोग क्लॉथ बनाना भी जानते थे। इसके अलावा कौन सा स्टोन टूल्स यहाँ की खास बात थी, वो क्या थी, स्मॉल स्टोन टूल्स, जिसको कहा जाता था माइक्रोलिथ, ठीक है, मतलब छोटे पत्थर यहाँ पे ज़्यादा मिलते थे। अगर हम बात करें रिलीजन की, ठीक है, तो ये लोग मदर गॉड को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे। एक टेरिकोटा फिगर मिला है, एक बुल का फिगर भी मिला है दोस्तों। बुल की आप जानते हैं कि आज भी हिंदू जो लोग होते हैं वो बुल की वर्शिप करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि सोशल इनइक्वलिटीज मतलब सामाजिक असमानता की शुरुआत हो जाती है, और ये कैसे पता चलता है, जब डिफरेंट बरियल साइट्स देखी गई तो कुछ बरियल साइट्स में जो बच्चे थे उनके साथ कॉपर नेकलेस थे, कुछ खाली थे, ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक साइट है गुनगरिया, जो कि मध्य प्रदेश की साइट है, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर हॉर्स मतलब बहुत सारे नंबर में कॉपर के औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है गुनगरिया मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों देखिए इस तरह के कॉपर के औजार यहाँ पे देखने को मिलते थे, इसीलिए इसको कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों इस कल्चर में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि
पहला विलेज जो है इसी कल्चर में सेटअप हुआ था, ठीक है। ये कल्चर पहला था जहाँ पे पेंटेड पॉटरी का यूज़ हुआ था, ठीक है। दोस्तों जो रूरल सेटलमेंट होते थे वो हिल्स, जो पहाड़ियाँ होती थी, जो रिवर बैंक होते थे, उनसे ज़्यादा दूर नहीं होते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ तक फैले हुए थे फ्रेंड्स, तो जो एलुवियल प्लेन्स थे, जो थिक फॉरेस्ट थे, उनके अलावा हर जगह ये कल्चर देखने को मिलता है। दोस्तों थिक फॉरेस्ट में क्यों नहीं था, क्योंकि दोस्तों उन फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि जब तक आयरन नहीं मिलेगा तब तक उन एरियाज में, जो गैंगटिक प्लेन्स वाले एरिया हैं, वहाँ पे हमको सेटलमेंट नहीं देखने को हम मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कैल्कोलिथिक कल्चर की लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहली लिमिटेशन थी कि इस दौरान चाइल्ड मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एक्सकेवेशन में काफ़ी सारे स्केल्टन मिले थे बच्चों के, ठीक है। रूरल इसका बैकग्राउंड था, किसी तरह की सिटी लाइफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इनको कॉपर की तो नॉलेज थी, लेकिन ब्रोंज की इसको नॉलेज नहीं थी। दोस्तों ब्रोंज कैसे बनता है, जब आप कॉपर में टिन को मिलाते हो तब वो ब्रोंज मिलता है, और हम आगे देखेंगे जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो वहाँ पे ब्रोंज का वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक राइटिंग की बात है तो इन लोगों को लिखना नहीं आता था, ठीक है। इस तरह के कोई भी एविडेंस हमको नहीं मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो कैल्कोलिथिक कल्चर था, जो स्टोन कॉपर कल्चर था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आया था दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं सीखा था। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा ये लेक्चर आज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। एंड दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।